आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने आईटीबीपी सेना के कैंपस पहुंचकर निरीक्षण किया। सांसद ने आईटीबीपी के जवानों को हिंदी भाषा को लेकर प्रेरित किया और स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर फाइलेरिया के खिलाफ अभियान का फीता काटकर उद्घाटन किया। सांसद ने बच्चों को दवा खिलाकर अभियान की शुरुआत की। आईटीबीपी बुखार कैंपस में फाइलेरिया के खिलाफ जंग में सहयोग के लिए लोगों को शपथ दिलाई। वही सांसद ने कहा, फाइलेरिया एक गंभीर रोग है, दवा सेवन से ही इससे बचा जा सकता है। कभी कभी फाइलेरिया से परजीवी शरीर में होने के बाद भी इसके लक्षण सामने आने में वर्षों लग जाते हैं। इसका सेवन 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को छोड़कर सभी के लिए आवश्यक है। तो इसमें फाइलेरिया जिस तरीके से देखा होगा कि लोगों के हाथ पर मोटे हो जाते हैं, हाथी पाव हो जाते हैं, फिर लोग कहते हैं कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, तो इसको फाइलेरिया बोलते हैं। कभी कभी पानी आ जाता है, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए 5 वर्ष से ही बच्चे की शुरुआत में ये गोलियां दी जा रही हैं। अलग अलग स्टेप हैं, 5 साल की उम्र है तो अलग है, 18 साल की है तो अलग है, उससे ऊपर है तो अलग है।